हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग बहुत दिन से ये डिमांड कर रहे थे कि हम लोग आपको पूरे दिन मतलब हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो दिखाएं। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि चलो आपको वो दिखाया जाए। तो अभी बज रहे हैं दिन के 9:30। अभी तक इनका गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग एंजल। नहीं, देखिए आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हो सकती है कि नींद कंप्लीट नहीं हुई हो। लेकिन अभी तक सूरज भी उगा नहीं है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि देखो सूरज भी निकल गया है। गुड मॉर्निंग एंजल। अब शायद ये देखो, ये आपके साथ पूरा आपके यूट्यूब फैम कनेक्टेड, इनको हाई बोलिए। पहले भगवान जी को प्रणाम किया जाएगा। ओके हाय। अरे 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 अरे, अभी ब्रश करने का टाइम है, नहाने का टाइम है, फिर फोन चलाने का टाइम है। सुबह हुआ नहीं फोन, ऐसे होना भी चाहिए। इनके लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी इनका वीडियो पोस्ट करना है, लाइक मोज टकाटक, और सबसे मेन यूट्यूब। यूट्यूब कैसे भूल सकते हैं। तो अभी इनका टाइम है वीडियो पोस्ट करना, तो आधे घंटे तक अभी वीडियो पोस्ट होगा। या देख सकते हैं आप, ब्रश बिना ब्रश किए हुए, बिना नहाए, बिना खाए, पहले वीडियो फिर कोई और काम। आधा घंटा बीत चुका है, अभी तक वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या आपका वीडियो पोस्ट करना हो क्या? हाँ, बस बस एक ऐप पे बाकी है, मौज ऐप पे, जो कर लेते हो मौज का आईडी गया। क्या है बता दीजिए, ताकि ये सभी फॉलो कर सके। खिलाड़ी अर्नब 005 मेरा मौज आईडी है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो कीजिए। और मौज ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए। अब हम चलते हैं फ्रेश होने के लिए, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। हे भगवान, सुबह सुबह सब उठता है, अच्छा मॉर्निंग होना चाहिए, अच्छी सुबह होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मेरे नसीब में तो ये लिखा ही नहीं है। रहते हैं पक्के की मकान पे, पर रहना पड़ता है पानियों में। देखिए, मैं चली पानी काछने की ओर। देखिए, बारिश से हुई परेशानी मेरे जिंदगी में आई ये बारिश। आप देख रहे हो ना, देखिए ये नाम का है, ये घर पक्के का, ये घर में कुछ है नहीं। देखिए सुबह सुबह हमको क्या करना पड़ रहा है। हे भगवान, ये बारिश कब जाएगी, मैं तो परेशानी हो गई हूँ। तो मैं पानी साफ कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ थक हार के ब्रश करने। बहुत मुसीबत है मेरी लाइफ में, ये घर ना मुसीबत है। बताएं, आज मैं दिखाती हूँ आप सबको अपने घर के बाहर के हालात। आप लोग को विश्वास नहीं होती होगी ना कि हम वीडियो बनाते हैं वो पानी पानी का, तो आप सोचते होंगे कि ये झूठ बोलती है, बट ऐसा नहीं है। दिखाती हूँ मैं फिर से, आप समझ पाओगे मेरी मुसीबत। हाय रब्बा, मैं मर जावा। देखिए कितनी पानी है ना, मैं क्या करूं। सुबह सुबह उठती हूँ, ये बारिश, सुबह सुबह उठती हूँ, उसके बाद जो है घर को पूरे पानी साफ करना पड़ता है। मेरे जिंदगी में आई बाढ़। तो देखिए आज मेरे यहाँ क्या बन रहा है, चलिए दिखाती हूँ मैं। ये बन है सब्जी। अंकिता, और ये क्या बना रही हो आज? सब्जी। क्या चीज की सब्जी है? आलू और अदौरी का। देखिए अभी मसाला फ्राई कर रही है। और ये है अंजलि, तुम क्या कर रही हो? मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा, और अगर अपने स्टाइल में बोले मतलब बिहारी स्टाइल में सतुआ का पूरी। दिखाओ सत्तू, दिखाओ सबको। और कैसे बनाती है वो बताओ। पहले हम लोग आटा तैयार कर लेंगे, फिर सत्तू में सब कुछ मिला लेंगे, लाइक प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन। उसके बाद आटा को गूंद ले, उसमें सत्तू डाल के तेल में फ्राई करके निकाल ले और खाए। देखें मैं ब्रश कर रही हूँ, और ये सब लंच कंप्लीट कर रही है। मैं ब्रश करने के बाद डायरेक्ट लंच खाऊंगी। वाह, सत्तू भरा पूरी।
अब मैं मिलवाने जा रही हूँ छोटी से। देखिए क्या कर रही हो छोटी तुम? घर की साफ सफाई। क्या बात है, ये मेरे घर में जो है सुबह सुबह झाड़ू पोछा करती है। अरे गलत मतलब मत समझिए, ये मेरे ही घर की लड़की है, बेटी है मेरे घर की। मतलब कि सबका काम बटा हुआ है, कोई खाना बनाता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, मैं वीडियो बना के पोस्ट करती हूँ। देखो झाड़ू लगाओ, सबको दिखाओ, सही से सफाई सुथरा करो। देखो और आप खिलाड़ी अर्णव से मिलवाने जा रहे हो, सुबह सुबह क्या करता है तो देख रहे हैं, ये लेटा पड़ा है और जो है टीवी देख रहा है। लॉकडाउन का इस पे ना बुरा असर पड़ा है, बच्चों पे लॉकडाउन पे बहुत बुरा असर पड़ा। देखिए पढ़ाई लिखाई करता नहीं है और यहाँ कार्टून लगा करके बैठा है ये लड़का खिलाड़ी अर्णव। लॉकडाउन से पड़ा बच्चों पे बुरा असर, देख रहे हैं। अभी इसका पढ़ने का जो है समय था, है ना, बट नहीं। ये देखिए, हाय बोलो, हाय। हाँ देखिए कैसे है, देख रहे हैं। क्या कर रहे हो अर्णव? क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करना तुमको? क्यों, स्कूल खुला हुआ नहीं है तो क्या घर में तुम पढ़ नहीं सकते हो, कार्टून ही देखोगे? पता है इसका नाम अर्णव है, बट एप सब जो चलता है ना इसी का नाम से चलता है, खिलाड़ी और अर्णव 005, बट इसका नाम अर्णव। नदिया के बीच जैसे नैया डोले, उसे ही मुरसैया डोले है। नदिया के बीच जैसे नैया डोले, उसे ही मुरसैया डोले है। देखिए मैं मिलवाने जा रही हूँ मेरे पति देव से, वो आए हैं अभी बाजार से। अभी रुकिए दिखाती हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप, दिखाइए सबको क्या लेकर क्या है। देखिए एक हाथ में फूल है, एक हाथ में झोला है, झोला में आज। तो अब हम जा रहे हैं चाय बिस्किट खाने के लिए, चाय आ चुकी है, बिस्किट भी आ चुका है, अब हम खाते हैं। देखिए चाय और बिस्किट, ये है लेमन टी। अगर ये बिस्किट कम पड़ेगा ना तो देखिए बिस्किट का डब्बा यहाँ पे पड़ा है, जितना मन हो सके उतना हम खा सकते हैं, बिस्किट खाने पे कोई रोक नहीं। तो आप सब दिखाइए चाय बिस्किट मेरे साथ, चलिए खाते हैं, है कि नहीं। चाय बहुत अच्छी है, पता है, आप पियोगे? बताइए पीना चाहते हो? चलिए अपने अपने घर में चाय बनाइए, पी लीजिए फटाक से, है कि नहीं। बिस्किट तो ख़त्म हो गई, अब हम चाय पीते हैं। कमेंट गाइस आप भी पीजिए मेरे साथ प्लीज। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबे बड़े राम ने उतना बड़ा खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते सकते हैं कि मैं रेडी पूरा से हो चुकी हूँ। अब होगी मेरी लंच, और घड़ी में समय कितना हो रहा है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए समय हो रहा है 1:15। आज मैं खाऊंगी सत्तू भरा हुआ पूरी और आलू बड़ी का सब्जी, भिंडी का भुजिया और अचार है। देखिए तो आप सब सोच रहे होंगे 1 बज रहा है और 1 बजे तक मैं भूखी प्यासी हूँ। हाँ मेरा यही समय है। और आप लोग मेरे कमेंट पे हमेशा करते रहते हैं कि अरे तुम दुबली पतली क्यों हो, अरे मेरा राज यही है, मैं लेट से नाश्ता खाती हूँ और बहुत ज़्यादा लेट से खाना, है कि नहीं, इसलिए मैं इतनी दुबली पतली हूँ। और आप लोग का ये भी सवाल, अरे क्या खाती हो, अरे क्या खाती हो, देखिए हम क्या खाते हैं। चलिए आप भी नाश्ता कीजिए मेरे साथ, मिलजुल के खाते। ये मेरे फ्रेंड के लिए, खाइए खाइए, नहीं खाना ओ छोड़िए मैं खुद ही खा लेती हूँ। ये बताइए मिर्ची किस किस को खानी है, बताइए जल्दी से बताइए। अच्छा लगता है ना मिर्ची सबको खाना, हमें भी अच्छा लगता है।
लंच तो मेरी हो गई है, अब सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। मुझे ना वीडियो बनाना था, बट ये बारिश, कहाँ जाए वीडियो बनाने के लिए? छत पे भी नहीं जा सकते, घर के बाहर भी नहीं जा सकते, और घर में भी वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं ना, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है, और वीडियो शूट करने के लिए जगह भी नहीं है मेरे घर में। तो मैं क्या करूँ, बहुत मुसीबत है। ये बारिश है ना, मेरे जीवन में जो है ना मुसीबत लेकर के आया है। आप समझते होंगे कि मैं बातें फेंक रही हूँ, बट मैं दिखा चुकी हूँ आपको ना कि सच में मेरे घर में भी बारिश के पानी है, घर के बाहर भी, छत भी गीला पड़ा है। कितनी मुसीबत है, फिर भी क्या करें, वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना। सोच रही हूँ यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, उसी में वीडियो शूट कर लो। बट देखिए यहाँ गीला गीला कपड़ा है, अब ये गीला गीला कपड़ा जो है धूप तो उग नहीं रही है, तो ये गीला कपड़ा कैसे सुखाएं हम? मेरे पास जो है मशीन वो कपड़ा सुखाने वाला नहीं ना है। ये पता है ये कपड़ा में से जो ना बदबू निकलने लगती है जब कपड़ा सूखती नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देखिए अंजलि, ये क्या कर रही हो तुम? मैं कपड़े डाल रही हूँ। अरे ये भी अभी नहा के निकली है, अभी कपड़ा डाल रही है, बहुत मुश्किल। वो क्या है ना, लेट से नहाने का कारण पता है क्या है? ये बारिश में ना लाइट चली गई थी और पानी ख़त्म हो गया था। कितना मुसीबत है ये बारिश। ओ नो, हाय रब्बा, मैं मर जावा गुल खा के। तो अब हम जा रहे हैं तेरा वीडियो बनाने के लिए, है ना, वीडियो शूटिंग होगी। तो हम अभी वीडियो शूटिंग आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है और ये यही मोबाइल है, क्योंकि इसी मोबाइल से मैं वीडियो बनाती भी हूँ और अभी भी वीडियो में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी शूटिंग। तो हम लोग फटाफट से जाते हैं, वीडियो शूटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। और मैं जब वीडियो जब मेरी बन जाएगी ना, तो आप देखना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मौज आईडी है, टकाटक है, रोब्सो है, ये सब पे जो है खिलाड़ी अर्नव 005 से मेरी आईडी है। तो फटाफट से आप लोग से हम मिलते हैं वीडियो बनाने की बाद। हाय फ्रेंड, तो मेरी वीडियो शूटिंग हो चुकी है, अब है शाम की 5:30 बज रही है और खाना खाने की समय आ गई है। चलिए हम खाना खाते हैं, उससे पहले आपको समय दिखा देते हैं, तो आप विश्वास नहीं करिएगा, सोचिएगा कि नहीं ये झूठ बोल रही है। तो देखिए 40 मिनट हो रही है ना। तो ये मेरा रहा भोजन, चावल है, दाल है, दाल भात के साथ आम का अचार है और मिर्ची का भी अचार है, पापड़ है, तिलौरिया, सब्जियां हैं, तो हम खाएंगे अभी। तो चलिए खाना खाते हैं, रूखा सूखा खाना है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या करें, हम तो यही खाते हैं, आपको यही खिलाएंगे। चलिए मेरे साथ खाते हैं मिलवाट के खाना, भोजन। खाना है, खाइए। तो मेरी भोजन हो गई है और शाम भी हो गया है, तो इसे भी कहा जाता है कि भोजन खाने यानी खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो मैं खाऊंगी ये मैंगो, देखिए मैंगो, हम खाएंगे मैंगो, मेरे साथ आप भी खाइएगा मैंगो। मैंगो मतलब आम। अरे चलता है इतनी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट क्या करे, बोल लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, है ना, बट कोई नहीं। तो अब शाम हो गई है, शाम के बाद क्या होगी, रात, फिर रात होगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे या फिर सो जाएंगे, तो फिर वही घिचा पिचा खाना खाना है कि नहीं। तो इसीलिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, फिर मिलते हैं, बाय। पापा कहते हैं बड़ी नाम करेगी बेटी हमारी, ऐसी काम करेगी, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। ओ पापा कहते हैं बड़ा नाम कर...